सदकात का फंड खर्च करते हैं वो इनके लिए हराम है। मेरे माँ बाप की मुझे नसीहत थी कि किसी के पास जाति तौर पे आप चंदा मांगने नहीं जाओ, आपको जब भी जरूर पड़े आप फुटपाथ पे खड़े रह जाओ। और पहले से आवाम में इतना अवेयरनेस कर लें कि आपके काज को लोग समझ जाएं, और समझने के बाद फिर ये काम करते रहे। आज मैं कभी भी किसी के पास नहीं गया, मैं दुनिया के 72 मुल्क घुमाऊँ, पाकिस्तानी जैसी कौम आपको दुनिया के तख्ते पे नहीं मिलेगी। ठीक है, थोड़ी हम लीडरशिप के जरिए सियासी मजहबी सामाजिक इसकी वजह से हम थोड़ी कौम में मार पड़ रही है। NGOs भी, गवर्नमेंट भी, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, प्रोविंशियल हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हो, इसमें वो भी अपना किरदार अदा करें। और सबको मैं समझता हूँ कि जितने भी न्यूसेंस के फैक्टर जो पाकिस्तान पे एक स्टिग्मा की शक्ल रखते हैं, बैड इम्पेडिमेंट्स देते हैं, तो उसमें हर शख्स को जो है वो किरदार अदा करना होगा। मैं इस बात पर कतई मानने के लिए तैयार हूँ कि हर काम जो है वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होगी। मैं समझता हूँ कि अगर वो थोड़ा भी कर रहे हैं तो बेहतर कर रहे हैं, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना। तो जहाँ तक मैं तो ये नहीं कहूँगा कि 100%, लेकिन जितना भी कर रहे हैं, अगर वो 50% भी कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। हमारे हम फलाही इदारों के अलावा हमारी जो एज ए शहरी जो है हमारी वो भी जिम्मेदारी बनती है। बाज़ रिफाही इदारे जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं ले भी लूँगा नाम, वो रिफाही इदारे लोगों से सदक़े के नाम पर बकरे वसूल करते हैं और शाम को वो बकरे जो हैं बाजार में, होटलों में आधी कीमत में बिक रहे होते हैं। मैं सिविल अस्पताल को गोश्त देता हूँ, 3-4 मन गोश्त देता हूँ रोज, सारे तकरीबन सिविल अस्पताल के मरीज हमारा खाते हैं। मैं तो तरतीब से पहले से काम ओजा सेनेटम में, लाहौर के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, मुझे जो लोग चैरिटी के बकरे दे जाते हैं सदके के रूप में, न्याज के रूप में, मैं उनको जिन हक के उनको पहुंचा। ये रिफाही इदारे इस वक्त जो है एक कारोबारी इदारे बन गए, जिसको कोई काम करना ना हो तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि एक रिफाही इदारा बना ले, आमदनी शुरू हो जाएगी। ऐसा हम कुछ भी करें, हमारे यहाँ कामयाबी किसी में भी नहीं। कानून बन जाएगा, दफ्तर खुल जाएगा, महकमा बन जाएगा, बंदे आ जाएंगे, बैठे होंगे, कामयाबी कहीं भी नहीं। मैं इसके वास्ते कि कोई मैं नर्वस नहीं हूँ, डिमोरल नहीं हूँ, किसी को काम ही नहीं करना। एक वक्त ऐसा आएगा हर आदमी एक फलाही इदारा खोल के बैठा होगा, इसलिए कि बहुत आसान तरीका है, बगैर मेहनत के आदमी के पास पैसा आ जाए। तो ये एक इंडस्ट्री बन गया है, एक कारोबार बन गया है। इसलिए मैं समझता हूँ इन इदारों को देना बिल्कुल शरान भी नाजायज है। और उसके अलावा हमें ये भी नहीं पता जो खाना खाने वाला है आप उनको ज़कात में खिला रहे हैं, अगर वो सैयद है तो सैयद को ज़कात खिलाना ही ना जाएगी। जो भी जिनको काम नहीं मिल रहा वो खाए, लेकिन अब कोई आता है तो हम इनकार नहीं कर सकते, ले लगा कर पूछ के नहीं कर सकते। ये पॉलिटिक्स है मेरी नज़र में, सॉरी टू से दैट, किसी को सुनने वाले को अच्छा लगे या बुरा लगे, मेरी नज़र में ये सिर्फ सियासत हो रही है, सिर्फ दिखावे के खेल है कि जिसकी बुनियाद पर अपनी किसी भी इदारे के नाम पर जो है वो बड़े बड़े बोर्ड्स लगा के जो है वो यहाँ ला के बैठा के और जो अल्लाह की राह में ऐसा कर रहे हैं। तो अल्लाह की राह में
ऐसे इंस्टीट्यूशन भी बनाए जा सकते हैं कि जहां पर आप आज भी अगर आप हाईवे के ऊपर जाएं तो हाईवे पे बड़ी बड़ी बैरन लैंड्स पड़ी हुई हैं, वहां गवर्नमेंट से लैंड लेके आप उनके लिए कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर बना दें, आप उनके लिए कोई इस तरह के इदारे बना दें कि वहां पर कोई आप छोटी छोटी कोई आप जिस तरह आप स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज कहलाती हैं वो बनाएं, तो आप इसी माशरे को जो है वो आप कहीं ना कहीं जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं और उनको जो है माशरे का हिस्सा बनाते हैं। ये तमाम इस तरीके से खिलाने के इदारे इनको हुकूमत को चाहिए बंद करें। अगर ये बंद ना किए तो एक वक्त ऐसा आएगा आपको नौकर और मुलाजिम खिदमत के लिए नहीं मिलेगा। जब एक आदमी को पता है कि मुझे दोनों टाइम रोटी मिल रही है तो वो क्या करेगा। नतीजा ये हुआ कि चर्सी और मवालियों का इजाफा हो रहा है। चर्सी समझता है कि 10 रुपए जमा करूंगा उसमें चर्स ले लूंगा, हीरोइन ले लूंगा, खाना मेरे लिए फ्री में होगा। एज ए शहरी हमारी जिम्मेदारी है, एज ए पेरेंट्स हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, एज ए मतलब जो भी इदारों के बड़े सरबराह हैं वो उनका एक जो इमेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एक लीडर से एक बड़े से नीचे वाले उसको चीज़ों को उसका असर लेते हैं। मैं समझता हूँ कि अगर हम इंडिविजुअल हर आदमी अपने आप को ठीक करेगा तो मुआशरे के बाकी लोग हमें देख के ठीक हो जाएंगे। ये जो हमारे फलाही इदारों ने तरीका इख्तियार किया है कि पीछे बाहर एक अपने फलाही इदारे के बाहर एक झूला बना दिया है, नाजायज बच्चों को डाल जाओ, अरे भाई आप ये बताएं, शरीयत ने गंदे गलत कामों को वाजे करने के लिए कहा है, छुपाने के लिए कहा है? ये तो आप लोगों के सामने खुलकर ये बतला रहे हैं कि जो भी गलत काम करो यहाँ आके डाल के चले, इसकी आप नफी करें ना। ये कि झूले लगाकर आप लोगों को दावत दें कि यहाँ के डाल के चले जाओ, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में या 1300 साल में 1400 साल के अंदर इतने वक्त खुलफा के गुजरे हैं, क्या किसी ने झूले लगाए हैं इस तरीके से? जो झूले लगाकर बच्चों फिर उन बच्चों को बाकायदा बेचा जाता है, लोग आते हैं लेने के लिए, मुझे खूबसूरत लड़का चाहिए, कोई कहता खूबसूरत लड़की चाहिए, ये एक मजाक और तमाशा बन चुका है और ये तमाम शरीयत से नावाकफियत की वजह से। बस मैं तो इंसानियत का भला करने वाला एक इंसान हूँ।